जी वेलकम टू एके स्नूकर। और नई वीडियो में अब हम मौजूद हैं और आज हम बात करेंगे आपके फेवरेट सब्जेक्ट ग्रिप के ऊपर कि ग्रिप होती क्या है। सो ये कैसे आप ठीक करेंगे, इसके ऊपर क्या इश्यूज हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, आज उसको मैं डिस्कस करने वाला हूँ। पहले भी वीडियोस मेरी मौजूद हैं, अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर जाएंगे उसके ऊपर 1000 से ज्यादा फ्री वीडियोज पड़ी हुई है। सो मेक श्योर करें कि आप अपने उसको जरूर वीडियोज को देखें और आपको तकरीबन हर टॉपिक पे वीडियोस मिल जाएंगी। बल्कि बेशुमार चैनल्स ने ना, इंटरनेशनली चैनल्स ने मेरी वीडियोस देख के उन्हीं के ऊपर रेप्लिकेट वीडियोस की हैं। सो डजंट मैटर, अच्छी बात है, स्नूकर प्रमोट हो रही है तो आप भी सीख सकते हैं उस यूट्यूब चैनल को विजिट करके, akusnooker.com/akusnooker। तो आज हमारा बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे फेसबुक को फॉलो करें, इंस्टा को, टिकटॉक को फॉलो करें और लोगों को गाइड करें कि यार हमें पाकिस्तान के भी लोगों को सपोर्ट करनी चाहिए क्योंकि इतना कुछ हम सीखते हैं। तो शेयरिंग आपकी जिम्मेदारी है जी। स्नूकर कोच बन जाएं, अपनी एक छोटी सी एकेडमी बनाएं अपने शहर में, एक टेबल की। मैं आपको गाइड करूंगा कैसे बनेगी, मैं आपको प्रमोट करूंगा कैसे आपने होना है और आप एक अच्छा खासा एक सेटअप बना सकते हैं स्नूकर का, स्नूकर कोच का, जिसमें बहुत बड़ी मार्केट है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि थ्रू आउट द वर्ल्ड। मिडिल ईस्ट भरा पड़ा आजकल, आप बाहर जॉब्स ढूंढ रहे हैं, क्या मिल रहा है? सर्टिफिकेशन करें, आपकी अपॉर्चुनिटीज मल्टीप्लाई हो जाती हैं। चलें स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अच्छा, ग्रिप के ऊपर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि ग्रिप को, वर्ड ग्रिप यूज करना बड़ा मुश्किल काम होता है, इसको आपने होल्ड करना होता है। बेसिकली लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे ग्रिप कर लेते हैं जैसे उन्होंने पत्थर पकड़ा हुआ है हाथ में, या किसी लोहे को पकड़ा हुआ है, ये भी गिर जाएगा, ये लाइफ डिपेंडेंट है। ना आपने उसको टाइट पकड़ना है और ना आपने इतना लूज पकड़ना है कि आपके हाथ से क्यों ही गिर जाए। सो कीप इट स्टेडी, जिसकी वजह से इसको ग्रिप कहा जाता है। बल्कि मैं तो इसको काफी ग्रिप कहते हुए भी अजीब लगता है, बट और कोई वर्ड नहीं है। सो आपने इसको किस तरीके से ग्रिप करना और ग्रिप में प्रॉब्लम्स क्या आती हैं उसके ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहले सुन लें। हमारे प्लेयर्स गलती क्या करते हैं कि उनकी, जब वो जाते हैं कुछ प्लेयर्स की ग्रिप, उनकी ग्रिप ये हो जाती है, ये ऐसे आए ऐसे शॉट के लिए। अब उन्होंने क्या किया कि अपने इस हिस्से को लॉक करके रिस्ट्रिक्ट कर लिया। दूसरा प्रॉब्लम क्या है, ये ऐसे करके कई लोग खेल रहे होते हैं ये। अब उन्होंने क्या किया कि ये हिस्से को यहां से लॉक कर लिया। सो आप अपने कोशिश करें और इसके ऊपर एफर्ट करनी पड़ेगी, ये इतना आसान नहीं है। आप कोशिश करें, आराम से अपने हाथ को रिलैक्स करें, ना ऐसे करें ना ऐसे करें, और फिर क्यू को रन करके देखें, फिर क्यू को रन करके देखें। आपको फील होगा शॉट की स्वीटनेस बढ़ जाएगी, शॉट की क्वालिटी बढ़ जाएगी और आपको डिफरेंस पता लगेगा कि सही शॉट क्या है, गलत शॉट क्या है। सो ग्रिप के ऊपर कंफ्यूज मत हो, ग्रिप को थोड़ा सा रिलैक्स करें ताकि आपका हाथ फ्री फ्लो कर सके, आप शॉट सही तरीके से खेल सके। ये आपने देखा, मैंने डिफरेंट शॉट्स आपको मैं दिखा रहा हूं स्क्रीन के ऊपर, जो आपको फील होगा कि जब आप टेढ़े हैं खुद ब खुद आपका क्यों इधर उधर हो रहा है, चाहे हाथ आपका ऐसे है चाहे हाथ आपका ऐसे है, और जब आप सीधा खेल रहे हैं तो आपका शॉट भी स्वीट लग रहा है, आपका शॉट भी बेटर लग रहा है। सो ये इसके ऊपर काम करें और आपकी यकीन करें, आपकी अगर वो ग्रिप ठीक हो जाती है ना, तो आप ये समझ लें कि 15-20% आपने गेम को ओवरकम कर लिया अगर वो ग्रिप ठीक हो जाए तो। ये इतनी ज्यादा वैल्यू रखती है स्नूकर के अंदर और हमें कभी रियलाइज ही नहीं होता कि यार ये भी इंपॉर्टेंट है। सो मेक श्योर करें कि इन चीजों के ऊपर आप काम करें, बात को समझें और शेयर जरूर करें। सो नंबर्स मेरे मौजूद हैं, 1-to-1 कोचिंग, ऑनलाइन कोचिंग कोर्स दुनिया के किसी भी हिस्से से आप ज्वाइन कर सकते हैं, कोच सर्टिफिकेशन प्रोग्राम किसी भी हिस्से से दुनिया के ज्वाइन कर सकते हैं। गिव मी अ कॉल, आई विल गिव यू द डिटेल्स, मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपने आगे बढ़ना है स्नूकर में। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।